आज हम आपके द्वारा लगातार ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जिस प्रकार से धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारी आज लगातार 39 दिन हो गए हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, 12 दिन उनको कंटिन्यू हो गए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एक शख्स या उनके परिवार की तरफ से उनको पूछने के लिए नहीं आया है। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो 39 दिन से लगातार पुजारी और हमारे भाई बंधु वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी एक देखभाल के लिए किसी न किसी आदमी को नियुक्त करना चाहिए ताकि उनके जो लोगों को दुख हो रहे हैं उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाए। और जिस प्रकार से इन लोगों ने ये इस बारिश के मौसम में और इस ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा उनका नहीं देख रहा है। हम तो अपनी तरफ से पूरा जोर शोर से जो हो रहा कर रहे हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उनको भी एक एक जो बैठे हुए हैं वहाँ पे स्ट्राइक पे उनकी देखभाल के लिए भी कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए और उस परिवार की तरफ से भी कुछ करना चाहिए। हमारी एक ही मांग है आपके द्वारा, हम फिर से कहना चाहते हैं कि रघुनाथ मंदिर और जो प्रमंडल है उत्तर वैनी है इनको श्राइन बोर्ड की तर्ज पे इनको भी श्राइन बोर्ड बनाया जाए ताकि जिस प्रकार से अमरनाथ और माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड बना हुआ है जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट उनको चला रही है उसी प्रकार से इन लोग भी जो स्ट्राइक में बैठे हुए हैं इनको भी श्राइन बोर्ड के तहत उनके श्राइन बोर्ड के अंदर लाया जाए। इनके भी जो घर परिवार के जो लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनकी भी जो दयनीय हालत इस वक्त हो गई है, खाने के लाले पड़ गए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार एडमिनिस्ट्रेशन इनको भी अपनी तरफ से कोई ना कोई यहाँ पे जो है इनका श्राइन बोर्ड बनाया जाए और इनकी हड़ताल को खत्म किया जाए।